नमस्ते भाइयों और बहनों, मोटे भीम हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है 2018 रेनो क्विड, जो एक एंट्री लेवल हैचबैक है। यह हैचबैक काफ़ी अच्छी चॉइस है लोगों के लिए जिनको टू व्हीलर से फोर व्हीलर में अपग्रेड करना हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी की चार अच्छाइयां और चार बुराइयां। रेनो क्विड की पहली अच्छाई है इसकी स्टाइलिंग। ये काफ़ी क्रॉसओवर जैसी लगती है क्योंकि इसमें बॉडी क्लैडिंग और रूफ रेल्स आते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ऊंचा है और इसमें अलॉय व्हील्स भी आते हैं। रेनो बहुत सारे अच्छे कलर्स भी ऑफर करते हैं क्विड पे। रेनो क्विड की दूसरी अच्छाई है इसके फीचर्स। ये हैचबैक में बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इस प्राइस के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें आता है एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके साथ आपको एक रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। साथ में आपको मिलते हैं फ्रंट पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग और एक रियर आर्मरेस्ट। रेनो क्विड में दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, 800 सीसी और 1000 सीसी। 800 सीसी का इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बल्कि 1000 सीसी का इंजन आपको सिटी और हाईवे दोनों के लिए अच्छा पड़ेगा। 1000 सीसी के इंजन के साथ आपको एक 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। दोनों इंजन माइलेज के मामले में बहुत अच्छे हैं। रेनो क्विड की चौथी अच्छाई है इसकी राइड क्वालिटी। रेनो की सब गाड़ियों में राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और क्विड कुछ अलग नहीं है। इसकी राइड बहुत ही अच्छी है अपने रोड्स के लिए और कंफर्ट भी अच्छा देती है अपने पैसेंजर्स को। अब हम बात करेंगे क्विड की बुराइयों के बारे में। क्विड की पहली बुराई है इसकी कॉस्ट कटिंग। रेनो ने बहुत ही कॉस्ट कटिंग की है इस गाड़ी को बनाने में, क्योंकि इसमें सिंगल वाइपर आता है और कोई कोई मटेरियल्स की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। क्विड की दूसरी बुराई है इसकी सेफ्टी। सेफ्टी के मामले में क्विड मार खा जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एयरबैग आता है ड्राइवर के लिए, बल्कि फ्रंट पैसेंजर के लिए कोई भी एयरबैग नहीं है। ग्लोबल एनकैप की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है, उसमें रेनो क्विड ने 0 स्टार्स पाए, जो कि बहुत ही बुरी रेटिंग है। रेनो क्विड की तीसरी बुराई है इसके NVH लेवल्स, यानी नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस। ये गाड़ी के इंजन बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और वो सब वाइब्रेशन कैबिन के अंदर फील होते हैं पैसेंजर्स को, और बाहर की भी बहुत सारी आवाज है जो कांच के थ्रू गाड़ी के अंदर फील होती है। रेनो क्विड की चौथी बुराई है इसकी स्टीयरिंग की फील। भले ही क्विड की राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, बट ये गाड़ी के स्टीयरिंग में कुछ फील नहीं है। जब आप सिटी में चलाते हैं तो बहुत ही लाइट लगता है, जो अच्छी बात है, बट हाईवेज पे भी ये वेट अप नहीं करता और इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ड्राइवर को। मैंने तो आपको ये गाड़ी की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता दी, बट अगर आपको लगता है कि इसमें और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ है तो आप प्लीज़ हमें बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जाने से पहले मोटे भीम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।